हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे क्लास 10th का बायोलॉजी में जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उस चैप्टर के 5 मार्क्स क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं, मैं 5 मार्क्स क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। तो जितने भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट हैं सारे, और सारे क्वेश्चंस अब एक एक करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड लेवल इट। इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट हैं। तो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 2 या 3 पार्ट करके आते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बोला गया है कि ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है और उसे लेबल करना है। तो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायग्राम आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि आपको मेरे चैनल पर जाके मिल जाएगा। इस चैप्टर का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है और उस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे सारे 5 मार्क्स क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, तो इनके आंसर्स काफ़ी लॉन्ग होंगे जो कि आप मेरे चैनल पर जाकर ही देख पाएंगे। तो इसका सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट में ये बोला गया है, राइट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में जितने भी पार्ट्स हैं उनके फंक्शन भी बताने हैं। तो ये हो गया दो पार्ट में क्वेश्चन, कि सबसे पहले ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है, उसे लेबल करना है, और फिर जो हर एक पार्ट है ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का उसका फंक्शन बताना है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ओपन स्टोमेटल पोर एंड लेबल इट। यहाँ पे ओपन स्टोमेटल पोर का ड्राइंग बनाना है और उसे लेबल करना है। और दूसरा पार्ट इसमें ये है कि स्टेट द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा का फंक्शन क्या है ये बताना है। एंड थर्ड है इसमें कि हाउ डू गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मेरे चैनल पे जाके लाइव प्रोसेसेस का जो अलग से प्लेलिस्ट बना है उसमें सारे आंसर्स मिल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा फंक्शन स्टोमाटा का डिस्कस कर देती हूँ कि स्टोमाटा का फंक्शन ये है कि वो एक गैसेस के वो एक्सचेंज करने में हेल्प करता है और ट्रांसपिरेशन करने में भी हेल्प करता है। जो एक्सेस वाटर है वो प्लांट से रिमूव करने में हेल्प होता है ट्रांसपिरेशन के टाइम में। तो इस तरीके से आप सारे आंसर जाके देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड लेबल इट। ज़्यादातर 5 मार्क्स क्वेश्चन में ड्राइंग बनाने के लिए काफ़ी बार आता है। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है कि ह्यूमन हार्ट का ड्राइंग बनाना है और उसे लेबल करना है। और नेक्स्ट ये इसमें सेकंड पार्ट में ये आ सकता है कि स्टेट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स दिए हैं, इनका फंक्शन बताना है। जैसे कि ब्लड का फंक्शन क्या होगा और लिम्फ का फंक्शन क्या होगा। तो ब्लड का फंक्शन क्या है, लिम्फ का फंक्शन क्या है, इसका अलग से लेक्चर बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। रॉ मटेरियल्स जैसे कि हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं। तो ये आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम में यूज़ होता है। इसका सेकंड पार्ट ये है कि राइट केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो केमिकल इक्वेशन है उसे लिखना है। नेक्स्ट है इसमें, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बीच में आपको 3 डिफरेंस बताना है। तो ये हो गया आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें कि 3 पार्ट्स में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5th क्वेश्चन। मैं ऐसे 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 5th क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें ये जितने भी पार्ट्स दिए हैं इनको लेबल करना है। जैसे कि ग्लोमेरुलस हो गया, वुमेन्स कैप्सूल, रीनल आर्टरी, कलेक्टिंग डक्ट एंड लूप ऑफ हेनले। इन सारे पार्ट्स को आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना के लेबल करना है। लेबल करने के बाद इसमें सेकंड पार्ट ये पूछा गया है कि राइट द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन का फंक्शन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, उसके सारे पार्ट्स, किस तरीके से नेफ्रॉन वर्क करता है, क्या उसका फंक्शन है, ये सारी चीज़ें आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसका अलग से बिल्कुल टॉपिक, इस टॉपिक पे अलग से मैंने लेक्चर बनाया है। तो देखते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में और क्या क्या आ सकता है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द 3 पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। 3 पाथवे जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो बताना है। और इसका सेकंड पार्ट ये है कि राइट टू डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे 2 डिफरेंस, 3 डिफरेंस, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, कभी 2 पूछ सकते हैं, कभी 3 भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 डिफरेंस बताना है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का जो 3 पाथवे है वो बताना है आपको, और एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट होने का क्या एडवांटेज है, मतलब कि क्या फ़ायदा है, जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और वही बताना है कि उससे क्या फ़ायदा है। नेक्स्ट पार्ट इसमें यह है कि डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट ऑफ ह्यूमन बींग। जो ह्यूमन बींग का हार्ट है उससे ब्लड जो फ्लो होता है उससे किस तरीके से फ्लो होता है, वही आपको डिस्क्राइब करना है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मेरे लेक्चर्स में मिल जाएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन आर्टरी एंड अ वेन। आर्टरी और वेन के बीच में डिफरेंस बताना है। डिफरेंस आपको क्वेश्चन में, जैसे कि ये पहला पार्ट हो गया तो यहाँ पे इसके सामने मार्क्स लिखा रहेगा। अगर 2 मार्क्स का है तो 2 डिफरेंस लिखिए, 3 मार्क्स का रहेगा तो 3 डिफरेंस लिखिए, और ये सारे पार्ट मिला के क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। या फिर कभी क्वेश्चन लिखा रह सकता है कि डिफ्रेंशिएट 2 डिफरेंस, राइट 2 डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितने उसमें डिफरेंसेस लिखने हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट ये है कि वाई इज़ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। जो ह्यूमन हार्ट है उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसे डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है। तो डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है, हर एक टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किया है, आप मेरे चैनल पर जाके सारे आंसर्स देख सकते हैं। थर्ड पार्ट है, व्हाई डू वेन्स हैव थिन वॉल्स एज कंपेयर टू आर्टरीज। जो वेन्स हैं उनके जो वॉल्स हैं, इनर वॉल्स होते हैं जो वेन्स के, वो आर्टरीज के मुकाबले थिन क्यों होते हैं, तो ये बताना है यहाँ पे। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाई इज़ ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट में वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये बताना है यहाँ पे। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये है, हाउ डू लीव्स ऑफ प्लांट्स हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। जो प्लांट के लीव्स होते हैं वो किस तरीके से एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट ये है कि मेंशन मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम में मेजर इवेंट्स क्या क्या हैं जो कि होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो गया जो कि 5 मार्क्स में आ सकता है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि कभी भी एक क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता है, उसमें 2 या 3 पार्ट करके ही आता है, या तो ABC लिखा रहेगा या फिर इस तरीके से रोमन नंबर में लिखा रहेगा। तो आपको 2-3 पार्ट में क्वेश्चन मिलेगा और वही रहता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ये है कि लिस्ट द 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड राइट देयर फंक्शन। जो 3 तरीके ब्लड वेसल्स होते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो आपको बताना है और उनके फंक्शन क्या है वो भी आपको लिखना है। तो ब्लड वेसल्स क्या हैं और जो 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स हैं वो क्या क्या हैं, उनके फंक्शन क्या हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सेकेंड पार्ट ये है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन क्या है, ये यहाँ पे बताना है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जितने भी ड्रॉ करने के लिए हैं वो सारे ड्राइंग्स भी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मैक्सिमम मैंने डायग्राम्स को भी बता दिया है कि इस तरीके का डायग्राम भी आएगा। नेफ्रॉन का हो सकता है, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम हो सकता है, स्टोमेटल पोर हो सकते हैं, और ह्यूमन हार्ट हो सकता है, और भी जितने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं एग्ज़ाम के लिए
मैं उनका एक अलग से लेक्चर बनाऊंगी कि कौन कौन से डायग्राम्स इम्पॉर्टेंट हैं, और मैं ड्रॉ करके भी आपको वो बताऊंगी। तो इस तरीके से ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन सब के आंसर्स आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, सारे के सारे आंसर्स एक्सप्लेन किए हुए हैं और इन टॉपिक्स को भी डिस्कस किया हुआ है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ।